सीआईडी और कमांडो सीसी बहुत बड़ा धमाल होने वाला है. फॉर मी इट्स अ वेरी बिग हाई एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर बिकॉज हम लोग एक्शन, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का टेलीविजन का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है ये, और जो हम लोगों ने कल शूट किया है और हम लोगों ने एडिट देखा है वो बहुत धमाकेदार है. और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सीआईडी पे कर पा रहे हैं, क्योंकि सीआईडी से बड़ा एक्शन कोई करता नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूँ. विद्युत हर जगह रियल ही करता है और अभी तक एक्शन रियल ही हो रहा है, एंड कमांडो इस समय सीआईडी में आके एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाएगा. आई थिंक सभी जानते हैं बहुत कम उम्र से मार्शल प्रैक्टिस करते हैं और वाकई में कमाल का उनका एक्रोबैट स्टंट्स बहुत ही बढ़िया करते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर सीआईडी में विद्युत है तो यहाँ पे डायलॉगबाजी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके एक्शन सीक्वेंस हो, क्योंकि वो एक्शन कमाल का करते हैं. और आपने अगर कमांडो का प्रोमोज देखे होंगे तो बहुत ही, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक इतना बढ़िया स्टंट शायद ही किसी ने किया होगा. आई एम रेडी टू बी टाइप कास्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम बॉर्न टू डू. और मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि मैं पैदा ही इसी चीज़ के लिए हूँ. एक्शन रोमांस, एक्शन कॉमेडी, एक्शन ड्रामा, एक्शन हमारी जिंदगी का बहुत अहम पहलू है. रोमांस भी कर रही हैं दरअसल. जब कास्ट कर रहे थे एक्टर्स को तो मैंने ना ही मुझसे पूछा गया था, और मुझे लगता नहीं मुझसे आगे भी कोई पूछेगा, और मुझे लगता नहीं है कि मैं इन्वॉल्व होना चाहूँगा. बट सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का, दीपिका, ये न्यू जनरेशन बहुत बेहतर है. मुझे हर कॉकटेल मुझे बहुत पसंद आई थी, और सोनाक्षी की मुझे दबंग बहुत पसंद आई थी, और मैं सोनाक्षी के साथ अभी काम भी कर रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत हैं वो दिखने में और मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ. आई एम डूइंग द मूवी कॉल्ड बुलेट राजा, जिसमें सैफ अली खान हैं, जिमी शेरगिल हैं, और हाई एक्शन पैक्ड मूवी है. सो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कमांडो के बाद इमीडिएटली वो आएगी, और कमांडो के बाद एक एक्शन को दूसरे लेवल पर ले जाने का मौका मिलेगा.